एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 43वां पार्ट है, 43rd पार्ट है। तो सबसे पहले 42वें पार्ट का उत्तर करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है पावापुरी, महावीर की मृत्यु हुई। तीसरे प्रश्न का उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, कई बार आया, आईएएस तक के एग्जाम में आया ये प्रश्न। चौथे प्रश्न का उत्तर 1837 जेम्स प्रिंसेप। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है अशोक के समय में जो लिपियां चलती थी, ब्रह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और ग्रीक, ध्यान रहे काफी आता है। और छठे प्रश्न का उत्तर है एंटमीबा जिंजीवेलिस। और सातवें प्रश्न का उत्तर है राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। आठवें प्रश्न का उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट ने अमोनिया से क्रिया किया था। और नौवें प्रश्न का उत्तर है धोनी, ग्रीन मफलर धोनी से, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर कहते हैं रोड के दोनों साइड में प्लांटिंग की जाती है, या रेलवे लाइन के दोनों साइड में आपने देखा होगा प्लांटिंग होती है। और दसवें प्रश्न का उत्तर है झील से जो वाटर ब्लूम्स होता है वो अत्यधिक पोषण की उपलब्धता के कारण होता है, यानी इससे ये प्रदर्शित होता है कि उस पानी में पोषण काफ़ी है और पानी बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। तो जब आप नैनीताल जाएंगे, झील देखेंगे, तो उसमें ब्लूम्स होता है, तो उससे ये पता चलेगा उस पर वो, उसमें न्यूट्रिशन है और वो पानी अच्छा है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए किन किन कसौटियों का उपयोग किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप करें इसको, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए किन कसौटियों का उपयोग नहीं किया जाता है? बहुत बेहतरीन है, इसको आप करें। और तीसरा प्रश्न, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? और चौथा प्रश्न, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई? मुजद्दिद चौथा प्रश्न था ये। और पांचवा प्रश्न, मिर्जा गाजी की उपाधि किसको दी गई थी? और छठा प्रश्न, शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शाह आलम द्वितीय बहुत मशहूर है, इन्हीं के समय में बक्सर की भी लड़ाई हुई थी। शाह आलम द्वितीय का असल नाम क्या है? और आठवां प्रश्न, स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्मार्ट मनी, नवा प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किसने कहा? इंडिया फॉर इंडियंस। दसवां प्रश्न,
औरंगजेब की उपाधि क्या थी? तो ये रहा कुल मिला करके, और इसका आप उत्तर करें, फिर हम लोगों की मुलाकात होती है पार्ट 44 में। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।